नमस्कार। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम प्राण के साथ खेलने का विज्ञान है। इस कली काल में जिस तरह से लोगों का आवागमन है और अपने कार्य में जितनी तेजी है, इस युग में तो प्राणायाम का नाम लेना भी खतरा है। ये सिर्फ समर्थ गुरु के सानिध्य में ही इसे सीखा जाता है और बतलाया जाता है। तो मैं प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। प्राणायाम का पहला जो स्टेप है उसे नाड़ी शोधन बोलते हैं। नाड़ी शोधन, ये नाड़ी शोधन कैसे किया जाए, इसे क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी 5 लीटर ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने की है, लेकिन लोगों ने सिर्फ 1.5 लीटर में ही अपना जीवन जन्म लेते हैं और मृत्यु पास चले जाते हैं, और उनका ब्रेन ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है और अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि प्राणायाम आपको 4 स्टेज पर लेकर जाती है। प्राणायाम जब आप करेंगे तो सबसे पहले आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तो दूसरा स्टेप आपकी सफलता में आ जाती है। जब आप सफल हो जाएंगे तो आप और आकर्षण हो जाएंगे। जब आकर्षित करने लेंगे आप पूरी दुनिया को, तो लास्ट स्टेज होता है आह्लादित, जो आनंद प्रसन्न, जो वृद्धा अवस्था में इंसान खुशी से आराम से अपने शरीर को बिना बीमारी के अपने शरीर को छोड़ सके। इसी प्राणायाम के विज्ञान से ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन ये किसी को मालूम ही नहीं है कि प्राणायाम कैसे परफेक्ट किया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने से पहले आपको ये सुख आसनास में बैठकर आपको अपने स्पाइन कॉलम को अलाइन करना पड़ेगा। तो मैंने पिछले बार बताया था मैंने कि फर्स्ट अलाइन योर स्केलेटन, सेकंड अलाइन योर स्पाइन कॉलम एंड थर्ड अलाइन योर सिक्स हार्मोनल ग्लैंड। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो नाड़ी तंतु हैं, नाड़ी तंत्र है, जो जैसे मेडिकल साइंस 2009 सिस्टम पर काम करती है, उसी तरह प्राणायाम करके हमारे योग में इसे 3.5 लाख नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। और जब आप शिव योग और कुंडलिनी योग में जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर 3.5 करोड़ नर्व सिस्टम है। अगर इंसान के नर्व्स को अगर जोड़ दिया जाए पूरा, तो पूरे पृथ्वी को 2 बार लपेटी जा सकती है। तो नर्व्स एक्सीडेंट से ही सारी समस्या शुरू होती है। तो जितने भी ऋषि महर्षि शिव योग में, कुंडलिनी योग में हमारे ऋषि महर्षि लोग जब साधना करते थे तो उनकी समस्याएं होती थी, तो प्राणायाम के थ्रू ही उस लेवल पर जाया जाता है, जो स्पिरिचुअल कॉस्मिक एनर्जी को कलेक्ट करके वो लोग ग्रेविटी को छोड़ देते थे। तो ये प्राणायाम की पहला स्टेप्स है जो नाड़ी शोधन है, जो आपके पूरे सेंसर्स को एक्टिवेट कर देगा और अपने बॉडी से परिचय कराएगा। क्योंकि प्राणायाम आपको बताएगा सेल्फ लव और ऑर्गन, सेल्फ लव यू देन यू कैन गिव रिजल्ट लव। क्योंकि प्रेम ही तो नहीं है, प्राणायाम आपको प्रेम के रास्ते पर लेके चलेगी। जो प्राणायाम से दूर होगा वो नफरत के ट्रैक पर चलेगा। तो जीवन और मृत्यु के बीच में जो, जैसे सूर्य नाड़ी एंड चंद्र नाड़ी के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें प्राण का जो आवागमन होता है, यही से ये बैलेंस करता है। जो कि आज हमारे पृथ्वी पर बैलेंसिंग मेथड सब इम्बैलेंस हो गया है। जितनी भी समस्याएं वर्ल्ड वार वगैरह वगैरह जो भी हो रहा है, लोग बड़े बड़े चेयर पे तो बैठ जाते हैं लेकिन वो श्वास अपना परिचय नहीं करता है। क्योंकि श्वास ही तो है, श्वास ही तो बताता है कि मैं हूँ। श्वास और आत्मा से कनेक्शन होते ही इंसान परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। और वो सुर मतलब कि परमात्मा, असुर की जो राक्षस प्रजाति, ये दोनों सुर और असुर को बैलेंस रिप प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम आपको मैं बताता हूँ कि नाड़ी शोधन, कि कोई भी प्राणायाम करने से पहले आपको नाड़ी शोधन करना बहुत जरूरी है। इसमें 4 वर्ष बच्चे से लेकर एक 80 वर्ष 90 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। उसकी भी स्टेप बाय स्टेप कैपेसिटी है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए अलग विज्ञान है, नॉर्मल आदमी के लिए अलग विज्ञान है। वो कितना मेहनत करता है, उसके लिए किस लेवल का है, ये स्टेप बाय स्टेप आपका प्राणायाम है। दिस इज अ फिजिकल सेंस वर्कआउट प्राणायाम, इसे शिव योग एंड कुंडलिनी योग। तो प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब ये सुख आसनास में बैठेंगे तो आपका ये जो हाथ है, ये दोनों घुटने पर इसको फिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम लोग गाड़ी में जक लगा के, जब टायर पंचर होती है तो कैसे उसको जक लगा के फिर व्हील को खोलते हैं, फिर व्हील लगाते हैं, फिर रखते हैं। अगर बिना जक लगाए तो उठेगा नहीं, तो निकलेगा नहीं, ताकत रहेगा बेमतलब के थकेंगे हम लोग। जैसे ही पकड़ेंगे हम लोग, और इसी यहाँ से ये अल्ना रेडियस आपका बोन्स, जो हेड ऑफ ह्यूमरस से आपके स्पाइनल कॉलम को खींच देगा। जब ये खींच देगा तो आपके डिस्क रिलीज हो जाएंगे, जैसे सस्पेंस होता है। तो ये रिलीज होगा तो हमारे कॉर्ड्स में इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा, क्योंकि ब्रीथिंग इज इलेक्ट्रिसिटी, वही प्राण है। जिस तरह बिजली के जो बल्ब से रोशनी देख सकते हैं हम लोग सब कुछ, ये लाइट है,
लाइट में सब कुछ दिखता है लेकिन उस बिजली को नहीं देख सकते हम। उसी तरह इस शरीर जस्ट लाइक अवर बॉडी इज बर्न एंड प्राण जैसे आएगा आपके अंदर तो आपके लाइट रूपी लाइट इज अ लाइफ एंड डार्क इज अ डेड ये आपको लाइट की तरफ लेके जाएगा। जिस दिन इंसान को प्राणायाम के गुण रहस्य के विज्ञान के मालूम पता चल जाएगा वो इंसान सिर्फ प्रेम करेगा, वो सिर्फ प्रेम करेगा, प्रेम किसी का कुछ है ही नहीं। तो इसको जैसे हम लोग कसते हैं, इसे कसने के बाद ध्यान देना होगा कि आपके स्पाइनल कॉलम चर्क नहीं आने चाहिए, इसको फिक्स कर दिया जस्ट लाइक फील कि ये टाइटेनियम प्लेट से कस दिया गया है। तो आपके सिर्फ स्पाइनल कॉलम टाइट होने के बाद आपके नर्व्स में इलेक्ट्रिक सप्लाई होगा। तो वो जो जो ऑर्गन से कनेक्शन है जैसे 7 सर्वाइकल 12 थायरॉसिस एंड 5 लंबर एरिया ये जो ये जैसे अलाइन होगा तो आपके बॉडी के सारे डिजीज जो है वो प्राणायाम से सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल होती है, दुनिया के सारे मेडिकल साइंस जहाँ फेल होते हैं वहाँ पर योग और प्राणायाम आता है जो हमारे भारत के गुरु ऋषि महर्षियों ने ये बहुत गुप्त रखा था जो इसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए कैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास विज्ञान नाड़ी शोर है। ये फिक्स होने के बाद आपने स्पाइनल कॉलम को कस लिया, श्वास लेते समय आपका स्पाइनल कॉलम ऊपर की तरफ ऐसा फील हो कि आपके स्पाइनल कॉलम ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है। छोड़ते समय भी आपके इलेक्ट्रिकल पावर से इसको खींचते समय आपको लगे कि छोड़ते समय भी, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने प्राणायाम देखा है वो करते हैं कि स्पाइनल कॉलम घूम रहा है, ये घूम रहा है। स्पाइनल कॉलम अगर आपने छेड़ना शुरू किया वहीं से खतरा शुरू कर दिया आपने। अगर एक प्लग डाल दिया इलेक्ट्रिक के लिए उस प्लग को मैं हिलाता रहूँ तो फिर वो आगे चल के उधर मोटर में इम्बैलेंस हो जाएगा, फिर बहुत सी खतरा समस्या हो जाएगी। इसी तरह हमारे बॉडी जो है सिर्फ प्राण शक्ति पे चल रही है, जहाँ प्राण शक्ति कमजोर होगा वहीं से विकार शुरू हो जाएगी। जहाँ प्राण शक्ति आपकी बढ़ गई तो आपके सारी समस्या का समाधान हो जाता है। प्राणी तो है तो शुरू करते हम लोग प्राणायाम में नाड़ी शोधन, इसको कैसे किया। फिर आपको मैं अपने फ्रंट पोजिशन के बाद अपने बैक पोजिशन दिखाऊंगा जिसमें आपके डायफ्राम खुलेंगे कैसे खुलते हैं। 21 टाइम ब्रीदिंग इनहेल एक्सहेल वन काउंट 21 टाइम का एक सेट्स होता है। शुरू करते हैं से। अब मैं यही चीज को आपको पीछे से दिखाता हूं कि हमारा स्पाइनल कॉलम आपको दिखेगा कि कैसे स्ट्रेट है और हिल नहीं रहा। फ्रंट से देखा और बैक से देखा तो ये किस प्रकार से जो है आपका आपको पूरा सेंसेस को एक्टिवेट कर देगा। आपके पूरे इलेक्ट्रिक आपको फीलिंग होने लगेगी कि पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिक सप्लाई होने लगेगी। श्वास ही तो है, जैसे एक बालक का जन्म होता है वो माँ के गर्भ से निकलते हैं, इसको जो नेचर ने जो प्रोसेस दिया है उस हिसाब से स्लो मोशन में श्वास लेना छोड़ना वो चेंज नहीं करता अपने ना।
समझ इसके नाड़ी शोधन के बाद गुरु लोग बताते हैं कि बहुत से प्राणायाम है, मुख्यतः आठ ऐसे प्राणायाम है जैसे सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, भस्त्रिका, केवली प्राणायाम है, और से मतलब हिमालयन योगी, शिव योग, कुंडलिनी योग में उसमें आठों में असंख्य भेद हैं जो हमारे गुरुदेव बताएंगे। तो नाड़ी शोधन से आपके बॉडी ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, आपके स्पाइनल कॉलम पसीना छोड़ देंगे तो स्पाइनल कॉलम अथराइटिस से आप मुक्त हो जाएंगे। जब स्पाइनल कॉलम अथराइटिस से मुक्त हो जाएंगे तो जो जो भी एरिया में आपके नर्व्स ब्लॉक होते हैं आप बहुत से बीमारियों से निजात पाएंगे। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें स्पोर्ट्स लोग भी कर सकते हैं, इसमें इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। एक सेट में आप नॉर्मल रहें, दूसरे सेट में थोड़ा और स्पीड बढ़ाते जाएंगे, थर्ड में और पावर बढ़ती जाएगी। तो आपकी जो कैपेसिटी है 1.5 लीटर हो, धीरे धीरे योर प्रैक्टिस योर स्ट्रेंथ, हमारी जो कैपेसिटी है लंग्स की वो 5 लीटर ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने की है, वो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी 2 से 3 महीने 4 महीने में बढ़ जाएगी और आपके ब्रेन ऑक्सीजनेटिक हो जाएंगे। जब ब्रेन ऑक्सीजनेटिक हो जाएंगे तो आप हमेशा ऑक्सीजन लेवल पर सोचेंगे, ना फिर कार्बन में, कार्बन मृत्यु है और ऑक्सीजन जीवन है। ये है नाड़ी शोधन। धन्यवाद।